Don't forget to subscribe Hum Television YouTube channel and hit the bell icon. Thank you. Wafa kar chale. Ammi, ammi, kaza ho gaya hai. Kya hua hai? Itni bokhlai bhi kyun? Wo Saeed hai na, unhe unhe Dubai se deport kar diya hai. Kya? Sajjad! Sajjad! तेरे अब्बा की तबीयत खराब हो गई है, चल मेरे साथ चल। क्या हुआ उन्हें? तू सारी तफ्तीश यहीं कर लेगा, जल्दी उठ, अस्पताल लेकर जाना है उन्हें। नौशी, वहां मेरा बाप अस्पताल में पड़ा है और तुम घोड़े बेच के सो रही हो। नहीं सजाद, मैं जाग रही थी, दो चार मिनट पहले ही आंख लगी है। अच्छा, जब तुम्हारा भेनोई हॉस्पिटल में था तब तो पूरी रात एक टांग पर खड़ी थी तुम। बाप कैसे? किडनी स्टोन्स हुए हैं, डॉक्टर्स का कहना है ऑपरेशन कराना पड़ेगा, मगर मैंने साफ मना कर दिया है। मगर क्यों सजाद? शादी का कर्जा भी उतारा नहीं है, ऑपरेशन कहां से कराऊंगा? अगर किडनी स्टोन का हल सिर्फ ऑपरेशन ही है तो मेरी जान, तुम अपने बीमार और बूढ़े ससुर पे थोड़ा तरस खा ले, दे दो पैसे, हो जाएगा ऑपरेशन, क्योंकि मेरे पास तो अपनी किडनी के अलावा और कुछ नहीं है। क्या हुआ, बंद होगी ना बोलती? अच्छा कुछ पैसे उधार दो, अब्बू की दवा लेके आनी है। पैसे तो नहीं है मेरे पास। अजीब बेशर्मी है, अपनी माँ को देने के लिए पूरी तनख्वाह है लेकिन मेरे बूढ़े बाप के लिए एक रुपए नहीं तुम्हारे पास। तुम इसे भेज दो। इससे क्या होगा, हल्का सा कंगन है, ज्यादा से ज्यादा 20,000 का बिक जाएगा। फिलहाल गुजारा करते हैं इससे, मगर दुआ करो कि ऑपरेशन की बात टल जाए, वरना तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा क्योंकि मेरे हाथों बंधे हुए हैं। आपके लिए चाय अभी बना दूं या बाद में पियेंगे? मुझे नहीं खाना ये फजूल सा खाना, ले जाओ इसे। मैं आपके लिए कुछ और बना देती हूँ। कह दो तुम ऐसे रही हो जैसे यहाँ सब कुछ मेरी मर्जी से होता है, रहने दो तुम। तो क्या भूखा रहने का इरादा है? तुम्हारे पास मेरी मर्जी का मनोसल तो ला दो मुझे, घर में नहीं है दाने और अम्मा चली। अम्मी जल्दी करें यार, मुझे देर हो रही है। मैं क्या बच्चा हूँ जो रोज रोज दूध का गिलास ले आती है, नहीं पिया जाता मुझसे। अरे यार इधर दो मुझे, तुम तो रिस्क जाया ही करते। इतनी सी बात थी। भाई ये तो होना था, तुम्हारे पप्पा का ख्याल वहां रखेगा कौन? वो दोनों माँ बेटा नहायत ही कोई खुदगर्ज इंसान है। रात भर अम्मी इतनी टेंशन रही है, अभी भी उनकी तरफ से कोई खबर नहीं आई है कि अंकल की कैसी तबीयत। तुम क्यों टेंशन लेती हो, ठीक ही होंगे। अब्बू कहाँ हैं? अंदर हैं। मैं उनसे मिल के आती हूँ। एक मिनट एक मिनट, तुम्हारे हाथ में कंगन था ना, कहाँ गया? अब वो मैं घर पे उतार के आई। झूठ नहीं बोलो, सच सच बताओ, तुम्हारे ये कंगाल ससुरालियों ने हथिया लिया होगा? अम्मी वो उन्हें पैसों की जरूरत थी, अंकल की मेडिसिन्स के पैसे नहीं थे। मिलाओ अभी जैतून को फोन। मैं आप छोड़े ना, आप अभी इसी वक्त जैतून को फोन मिलाओ। ये फोन चुप। हेलो
एक मिनट भाभी, आपकी आवाज नहीं आ रही, हॉस्पिटल में सिग्नल नहीं आ रहे। एक मिनट, मैं स्पीकर ऑन करती हूँ। एक मिनट जी। एक नंबर की लालची औरत हो तुम। तुम्हें शर्म आती है? तुम्हारे पास अगर पैसे नहीं थे तो मेरी बच्ची का जेवर बेचने की क्या जरूरत थी तुम्हें? भाभी आप ज्यादती कर रही हैं। इस वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ तौकीर साहब की फिक्र है। वो जैसे ठीक होते हैं हम ठीक। क्या मतलब ठीक? तुम्हें शर्म आती है? अरे अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो उनको अस्पताल में दाखिल करने की जरूरत क्या थी? और तुम इतनी गिरीवी हो कि अपनी बहू का कंगन तुमने उठा के बेच दिया? शर्म आया है तुम्हें? अगर नहीं थे पैसे तो उनको अस्पताल में दाखिल नहीं करवाती, अपने घर में रखती। लेकिन तुम्हें तुम्हारी बहू का कंगन बेचने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो उनको अस्पताल में दाखिल करने की जरूरत क्या थी? और तुम इतनी गिरीवी हो कि अपनी बहू का कंगन तुमने उठा के बेच दिया? शर्म आया है तुम्हें? तौकीर साहब कुछ बोल रहे हैं। बस कर दो नौशी, तुम क्यों सज्जाद को बार बार फोन करके मजीद उसको भाव दे रही हो? रामीन मैं बस कुछ चीजें क्लियर करना चाहूँ। और अम्मी आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं देख रही हूँ कि तुम में कितना बदलाव आ गया है। मैं जो भी बात करती हूँ तुम उसके खिलाफ जाती हो। नौशी ठीक कह रही है सादिया बेगम, हर बात करने का तरीका और मौका महल होता है। क्या हो गया अगर उसने अपने पापा की जरा सी मदद कर दी तो? मदद? इतनी महंगी मदद? कुछ अंदाजा है आपको कि इसका कंगन कितना महंगा था? और ससुराल वालों की मदद करना इसकी जिम्मेदारी नहीं बनती। अम्मी अंकल के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी उन्हें, और अंकल मेरे लिए अब्बू की जगह पर। मुझे मत सिखाओ, समझ में आ गई? एक बात समझ लो मेरी, तुम आज तुमने अपने ससुराल वालों को अपने सर पे बिठाया ना, कल मेरे पास आके रोना मत। सज्जाद कोई काम वाम तो करता नहीं है, तुम क्यों उसकी मदद करके मजीद उसे हट हराम बना रही हो? वैसे काम तो कभी सईद भाई ने भी ढंग का नहीं किया, मगर उनकी मदद भी तो कर रही हूँ ना मैं। सज्जाद मैं आपको कब से फोन कर रही हूँ, क्या? क्या हुआ नौशी बेटा, खैरियत तो है? वो अंकल की डेथ हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप अम्मी, नौशी तो निकल गई हमारे हाथ से। देखिए कैसे फूफो के गले का हार बन के बैठी हुई। मैं तो खुद बहुत पछता रही हूँ इसकी रुखसती यहाँ पे करके। क्या करूँ, मजबूर। अपनी फूफो के ड्रामे तो देखो जरा, जिसने जीते जी सारी जिंदगी उस आदमी से बात नहीं की, आज उसके मरने का सोग मना रही है। हाँ सब दुनियावी दिखावा है। बस देख लिया मेरी माँ का मातम मेरी बाप की वफात पे। अब क्या क्या कह रहे हो तुम? यही कि आपका अफसोस हम तक पहुंच गया, जनाजे में शिरकत भी हो गई, अब आप प्लीज जाइए यहाँ से।
मम्मी पता नहीं कहाँ बिजी हैं, फोन क्यों नहीं उठा रही। तुम्हें पता तो है वो नौशीन के ससुराल गई हैं, ऐसे में कोई कैसे फोन सुन सकता है। पर अब तक तुम्हें वापस आ जाना चाहिए, पप्पा की तदफीन तो कब की हो चुकी है। वैसे आई थिंक तुम्हें उनके साथ अफसोस करने जाना चाहिए था, आखिरकार तुम्हारे सगे फूफा थे वो। मैंने आप ही से फोन करके अफसोस कर लिया था, और वैसे भी मुझे वहां जाना बिल्कुल पसंद नहीं। I don't believe this. I mean, किसी की डेथ हो गई है और तुम अभी भी पसंद ना पसंद लेके बैठी हो। ऐसे मौके में तो बंदा कोशिश करता है अगले के दुख में शामिल हो। तो फिर ऐसे करें, आप ही जाके अफसोस करें और किसी के आंसू भी पहुंचाएगा। तुम्हें तमीज नहीं है बड़ों से बात करने की? तुम मुझे घर से निकालोगे? नहीं, मैं बहुत अदब से आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप यहाँ से चली जाएं, क्योंकि मैं अपने बाप के कातिलों का वजूद और देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम अपने हवास में तो हो, अंकल अपनी तबाही मौत मरे, हम कैसे? बस करो, फजूल मत बोलो। तुम लोगों ने ही मारा है, तुम लोगों ने ही मारा है मेरे बाप को, बल्कि इन्होंने मारा है, यही कातिल है। हाय हाय जैतून, तुम्हारा बेटा तो पागल हो चुका है। अरे भाई साहब तो हार्ट अटैक से मरे ना, हम पे क्यों इल्जाम लगा रहा है? बिल्कुल ठीक कह रहा है ये, आपने मारा है तो कीर को। अरे आपने जो बातें फोन पे की थी वो सब सुन ली थी उन्होंने, वो ही दिल पे ले ली और दुनिया से चले गए। तुम जो बुद्ध बन के बैठी हुई हो, तुम्हें कुछ नजर आ रहा है? तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ की कितनी बेइज्जती हो रही है। उसे क्या बोल रही हैं आप? वो मेरी बीवी है, मेरे दुख और मेरे दर्द की साथी। बताओ नौशी, बताओ इनको कि यही है, इन्हीं की वजह से मेरा बाप इस दुनिया में नहीं रहा। खड़ी क्या है यहाँ पे, जाए यहाँ से, आप चली जाए मेरे सामने से, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। कभी माफ नहीं करूंगी भाभी आपको, आपने जो मेरे साथ किया है आपकी वजह से तो गिर इस दुनिया से गए, मैं कभी माफ नहीं करूंगी, चली जाए यहाँ से। चलो दोबारा मुड़कर कभी यहां ना आइएगा। बहुत इंसल्ट की सज्जाद और आंटी ने आप लोग, मेरा तो दिल कर रहा था कि सज्जाद का मुंह तोड़ दूं, अगर मर्ग वाले घर का ख्याल ना होता तो मैं ये कर गुजरता। अरे मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ तो इस बात की हो रही थी कि नौशी खामोश बैठी, हमारी इतनी बेइज्जती की उन लोगों ने और उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। अम्मी वो अपने ससुराल वालों के अगेंस्ट क्यों जाएगी, ये बात आपको समझ क्यों नहीं आ रही है? इस वक्त वो लोग सदमे में है, दरगुजर करो इन बातों को। अर्शद साहब आप क्या बात कर रहे हैं, दोनों माँ बेटे मिले हुए हैं और उनके साथ साथ आपकी बेटी नौशी भी मिली हुई है। सादिया बेगम तुमने भी तो हद कर दी, तुम्हें कोई बात करनी थी तो बाद में बात कर लेती। भाई क्या जरूरत थी फोन को स्पीकर पर लाने की, ऐसे भी आपके भैनोई ने मरना ही था, आपने अपनी बहन और उसके बेटे की हरकतें देखी हैं तो ये तो होना था ना। आंटी अब आप ईंट का जवाब पत्थर से दें, यूं चुप करके बैठ गई तो ये लोग शेर हो जाएंगे। सजा तुम्हें अम्मी से ऐसे नहीं कहना चाहिए था, वो इतनी हर्ट होकर यहां से गई है। तुम्हें अपने माँ के हर्ट होने का एहसास है, लेकिन इस बात की कोई परवाह नहीं कि कैसे तुम्हारी माँ की बातें सुनकर मेरा बाप इस दुनिया से चला गया। मैं शर्मिंदा हूँ सजाद, काश कि मैं पापा को वापस ला सकती। तुम क्यों शर्मिंदा होती, गलती तुम्हारी नहीं, असल वजह तो भाभी बेगम है, पता नहीं किस बात का बदला लिया उन्होंने हमसे। मुझे अगर पता होता कि मेरी जरा सी मदद की कीमत मेरे बाप की जिंदगी ले लेगी, मैं कभी थूकता भी ना उस कंगन पे। सजाद भी ना खुदा गवाह है, मैंने कंगन तुम्हें अपनी अच्छी नीयत से दिया था ताकि पापा का इलाज हो सके, मुझे नहीं पता था कि वो चले जाएंगे। तुम पे तो आंखें बंद करके यकीन है नौशी, बस तुम्हें यहाँ की बात वहां नहीं करनी चाहिए। देखो ना ये क्या से क्या हो गया,
चले ही गए तो कीर साहब, प्लीज रोना बंद कर। अम्मी आपको फौरन ही नौशियापी से बात करनी चाहिए थी, उनकी वजह से सजाद भाई की इतनी हिम्मत हुई। बिल्कुल, वरना पहले कैसे दोनों माँ बेटे ने मिन मिन करके नौशी की रुखसती करवाई थी। पर हाँ अम्मी, आपने तो पुप्पो के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, फिर आप कैसे इतनी बातें सुनकर आ गई? भाई फौदगी का घर था ना, जरा सी बात करती तो बात बढ़ नहीं जाती। जब उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं है तो आप क्यों फिक्र करिए? बुलाए उस नौशी के और खींचे उसके कान। वैसे बहुत जल्द आप ही ने अपना आप दिखा दिया, वो तो अच्छा ही हुआ कि हम वहाँ नहीं गए, वरना जहेब या सब देखते उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता। जहेब को वहाँ ले जाने की जरूरत भी नहीं है, उसको इन चीजों से दूर ही रखो। मैंने ऐसा ही किया है, वरना वो तो मचल रहे थे अफसोस के लिए। हो गया अफसोस, जाओ जाकर मेरा फोन लेकर आओ। बल्कि फोन क्या लाना, नौशी को फोन कर, उसको बुलाओ घर पे, मैं जरा उससे बात करूं। अब क्या काम पड़ गया आपको नौशी से? अभी कल ही वो पूरा दिन आपके साथ थी, नहीं आएगी वो। वफा कर चले। हम लोग ना अमर को वहां भेजते हैं और उसे कहते हैं कि जाके कहो कि आपकी तबीयत खराब है, देखना नौशी भागती भी आएगी। भूल जाओ इस बात को, मुझे जाना था। अमर चलो। अगर तुम गई तो दोबारा मुड़कर यहां मत आना। वफा कर चले।